चलो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। रोल ऑफ विमेन जो है, इंडिया वाली कहानी है ना, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी इकट्ठी कर रहे हैं। पहली बात, विमेन की लाइफ प्रिंट आने से कैसी चेंज हो गई, और विमेन ने क्या क्या किया खुद की एजुकेशन और प्रिंट कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो हम लोगों ने बोला कि जो विमेन की लाइफ थी वो क्या हो गई, बहुत चेंज हो गई प्रिंट कल्चर के आने से। विमेन अपनी ही लाइफ के बारे में बहुत इंटेंस वेव्स में क्या हो गई, वेव्स में लिखने लग गई। स्पेसिफिकली मिडिल क्लास होम में विमेन की रीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। आई बात समझ में? लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स जो थे उन्होंने क्या करा, अपनी घर की विमेन फोक को एजुकेट करना स्टार्ट किया, उनको स्कूल भेजना भी स्टार्ट किया। और स्पेसिफिकली क्या हुआ, मिड 19th सेंचुरी में स्कूल सेटअप हुए स्पेसिफिकली किसके लिए, विमेन के लिए। ठीक है, बहुत सारी जर्नल्स ने विमेन द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स को क्या करना गया, पब्लिश करना गया। और इन आर्टिकल्स में क्या लिखा होता था कि विमेन को एजुकेट क्यों करना चाहिए, आ रही है बात समझ में? और बहुत बार सिलेबस भी देते थे होम बेस्ड स्कूलिंग का, आ रही है बात समझ में? हालांकि जो हमारे आगे इंडिया के कंजर्वेटिव्स थे, जो नहीं चाहते थे कि विमेन पढ़े, उनके हिसाब से हिंदूज को लगता था कि एक लिटरेट गर्ल विडो हो जाएगी, और मुस्लिम्स को लगता था कि एजुकेटेड वुमेन जो है वो करप्ट हो जाएगी उर्दू रोमांसेस पढ़। ठीक है, अब क्योंकि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वुमेन एजुकेशन पे, तो जो रेबेल वुमेन थी इनको क्या करा, डिफाई किया। एग्जाम्पल देके रखा है, सबसे पहले ईस्ट बंगाल का, ये वन मार्कर्स के हिसाब से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। राज सुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल थी जिसने क्या करा, किचन की सीक्रेसी में पढ़ाई कर ली, और इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जुबान, जो कब पब्लिश हुई थी, 1876 में। और ये फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोग्राफ बायोग्राफी थी जो बंगाली लैंग्वेज में प्रिंट हुई थी या पब्लिश हुई थी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहली बात ईस्ट बंगाल, दूसरा राज सुंदरी देवी, तीसरा फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, इसका नाम क्या था, अमर जबान, कब आई थी, 1876 में। सिमिलरली महाराष्ट्र में दो ऑथर्स थी, कौन, पहला ताराबाई शिंदे और दूसरा पंडिता रमाबाई। तो तुम्हें दोनों नाम याद होने चाहिए, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, जिसने किसके बारे में लिखा, मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू विमेन स्पेशली विडोज। इन्होंने किसके बारे में लिखा, मिजरेबल लाइफ, किसकी मिजरेबल लाइफ, अपर कास्ट हिंदू विमेन स्पेशली विडोज। आई बात समझ में? ठीक है, फिर तमिलनाडु में भी विमेन ने लिखा क्या, तमिल नॉवेल्स में भी विमेन ने क्या लिखा कि विमेन का फॉर सम रीजन उनकी जो है लाइफ क्या है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। 1926 में बेगम रोकिया सखावत हुसैन एक नोटेड एजुकेशनिस्ट थी और लिटरेरी फिगर भी थी, जिन्होंने बोला कि जो वो मेन है जो विमेन को एजुकेशन से रोक रहे हैं वो क्या है, बहुत गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? है प्रिंट पुअर पीपल के लिए इंडिया में, तो अगर ये वाला आंसर कर लेंगे जो दिख बहुत रहा है, पर तुम्हें इतना बड़ा एग्जाम में आंसर नहीं आएगा, तो इस आंसर में तुम्हारे वन मार्कर्स भी कवर हो जाएंगे सारे की सारे, और इस आंसर में हमारे वो भी कवर हो जाएंगे। क्या लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर वाली कहानी, जहां पर इंडिया का वो पुअर वाली कहानी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज है पब्लिक लाइब्रेरीज खुल गई थी। ठीक है, और पब्लिशर्स जो थे वो क्या करने लग गए थे, स्मॉल चीप बुक्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है ना, बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज, बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज रिच पीपल ने भी क्या करी थी, सेटअप करी थी। बहुत सारे राइटर्स थे जो किसके बारे में लिखने लग गए थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखने लग गए थे, कि हम लोग को कास्ट बेसिस पे लोगों के बीच में क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अब सुनो, याद करो ज्योतिबा फुले, ये एक सोशल रिफॉर्मर था, कहाँ का, महाराष्ट्र का, कहाँ का, महाराष्ट्र का, जिसने किसके बारे में लिखा था, पुअर कंडीशन ऑफ लो कास्ट के बारे में लिखा था, कौन सी बुक में लिखा था, गुलामगिरी में लिखा था, कब लिखा था, 1871 में। सिमिलरली बी आर अम्बेडकर की बात हम लोग कर चुके, जिसने किसके अगेंस्ट बोला था, अपनी किताब में अनटचेबिलिटी के बारे में बोला था। ठीक है, फिर ईवी रामास्वामी नायकर,
जिसका पेन नेम था पेरियार, एग्जाम में वन मार्कर में आ सकता है कि पेन नेम पेरियार किसका था। तो हम लोगों ने क्या बोलना है, ईवी रामास्वामी अय्यर जो कहाँ से था, मद्रास से था, ठीक है। और इसने क्या किया था, अगेन कास्ट के बारे में लिखा था, ठीक है। अब आते हैं क्या, पुअर वर्कर्स और प्रिंट, ठीक है ना। तो जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, फिर ही वो समहाउ क्या लगने लग गए थे, अपने बारे में लिखने लग गए थे। एग्जाम्पल किसका है, काशी बाबा। एग्जाम्पल किसका है, काशी बाबा। काशी बाबा कौन था, एक कानपुर मिल वर्कर था, अगेन वन मार्कर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसने जो बुक लिखी थी उसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें इसने कास्ट डिस्टिंक्शन के बारे में बात करी थी। आई बात समझ में। एक और कानपुर मिल वर्कर था जिसने जिसका पेन नेम था क्या, सुदर्शन चक्र। क्या नाम था, इसने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी कि वर्कर्स को क्या क्या परेशानी आती है, और इसको एक कलेक्शन में पब्लिश किया था जिसका नाम था क्या, सच्ची कविताएं। तो ये भी वन मार्कर्स के हिसाब से क्या है, इम्पोर्टेंट है। आ रही बात समझ में, ठीक है। बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने खुद ही अपने लिए क्या कर ली थी, लाइब्रेरी सेटअप कर ली थी, किसको देख के, मुंबई वर्कर्स को देख के। और इन लाइब्रेरीज को फंड कौन करता था, अमीर सोशल रिफॉर्मर्स। आ रही है बात समझ में, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जो चाहते थे वर्कर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, लिटरेसी प्रमोट होनी चाहिए। उनको लगता था कि जो गरीब लोग हैं वो ड्रिंकिंग विंकिंग छोड़ के क्या करने लग जाए, पढ़ लिख लगने लग जाए, तो वो इन चीजों को क्या करते थे, स्पॉन्सर करते थे। चलो, क्या मैंने रिलीजियस रिफॉर्म्स में दो कहानी देखनी है। इंडिया के रिलीजियस रिफॉर्म्स से दो लोग परेशान थे, कौन, एक मुस्लिम्स और एक कौन, हिंदूस। आई बात समझ में। तो हिंदूस की बात करें तो प्रिंट के आने से ऐसा भी हुआ था कि बहुत लोग क्या करने लग गए थे, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने लग गए थे। आई बात समझ में। रामचरितमानस जो थी तुलसीदास की, वो उसका जो पहला प्रिंटेड एडिशन था वो कहाँ आया था, कलकत्ता में आया था 1810 में। और इस वजह से क्या हो गई थी, रिलीजियस टेक्स बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, वाइड सर्कल ऑफ पीपल में पहुंचने लग गए थे। और क्योंकि ये पहुंचने लग गए थे तो बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे, डिबेट्स हो रही थी, और कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो रही थी अलग अलग रिलीजन्स। आ रही बात समझ में, यानी कि प्रिंट कल्चर जो मॉडर्न आइडियाज लेकर आ रहा था उस पर बहुत सारे क्या होने लग गए थे, डिबेट्स होने लग गए थे हिंदू रिलीजन में। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या लिखी थी, संवाद कौमुदी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमको कैसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए। उसी के अगेंस्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने संचार संहिता लिख दी थी। आ रही बात समझ में कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। मुस्लिम्स में भी क्या हो गया था, मुस्लिम ने चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस यूज करे थे। मुस्लिम्स ने क्या यूज करे थे, चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था, पर्शियन और हिंदू ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन लिखा था होली स्क्रिप्चर्स का, ठीक है। दियोबंद सेमिनारी बनी थी कब, 1867 में, जिसने बहुत सारे फतवा, फतवा मतलब होता है रूल्स, जिसमें मुस्लिम लीडर्स को बताया था कि आपको डेली लाइफ में इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स कैसे फॉलो करने चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर। अब अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ था तो यूरोप में भी कुछ कहानी हुई होगी। तो यूरोप की आधी कहानी तो हम लोग पढ़ चुके क्या, कि लोगों को लग रहा था कि अगर प्रिंट कल्चर इतना फेमस हो जाएगा तो ये रिलीजियस थॉट स्प्रेड होंगे, यानी कि लोगों का चर्च से विश्वास क्या होता जाएगा, उठता जाएगा। इट वॉज फियर्ड इफ देर वॉज नो कंट्रोल ओवर वॉट वॉज प्रिंटेड एंड रेड, देन रेबेलियस एंड इरिलीजियस थॉट माइट स्प्रेड। और लोग क्या करेंगे, वैल्यूएबल लिटरेचर की वैल्यू भूल जाएंगे क्योंकि ये इतनी वाइडली प्रिंट होगी, ठीक है। मार्टिन लूथर ने यही करा था, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया था, उनको बहुत डर था क्या कि लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा फेथ को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा, पब्लिशर्स को कंट्रोल किया, बुक सेलर्स को भी कंट्रोल किया, और एक इंडेक्स निकाला, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, मतलब इस तरह की बुक्स बुक सेलर ना सेल कर सकते हैं और पब्लिशर्स पब्लिश भी नहीं कर सकते हैं। और इसको चर्च के बाहर भी लगा दिया ताकि लोग जो हैं, जो चर्च को फॉलो करते हैं, उन्हें इस तरह की बुक्स पढ़नी नहीं है। इज दैट क्लियर।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इंडिया का भी रिलीजियस हो गया और यूरोप का भी रिलीजियस हो गया। बोलो कोई परेशानी? तो सीबीएसई सैंपल पेपर के एमसीक्यू ही आएंगे। अब क्योंकि एमसीक्यू आएंगे तो फटाफट इसको निपटाते जाते हैं। देखो सबसे पहला है लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये इतना लिबर्टी 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 की बात किसने बोली थी, हमारे किसने बोली थी, महात्मा गांधी। नेम द पेपर विच बाल गंगाधर तिलक वॉज एसोसिएटेड, तो केसरी। सुनो, बंगाल गैजेट बाल गंगाधर तिलक वाली जो थी वो जर्नल थी, न्यूज़पेपर नहीं था। आई बात समझ में, है ना? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस चीज के लिए था कि हमारे यहाँ कौन सी चीज पब्लिश हो रही है, कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है और कौन सी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो रही है, ठीक है ना? नेक्स्ट, गुलामगिरी का थीम क्या था, इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। गुलामगिरी किसने लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। फोर इंडियन वुमेन राइटर्स कौन सी थी, राजचंद्री देवी, कैलाश वासिनी देवी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। सुनो, स्त्री धर्म विचार किसने लिखी थी, राम चड्ढा ने लिखी थी। इसे बताया था कि वुमेन को अपना फैमिली में कंडक्ट कैसे रखना चाहिए, स्पेसिफिकली हिंदू वुमेन को, ठीक है? अमर जुबान की ऑथर कौन है, राजसुंदरी देवी। क्या है अमर जुबान, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्गेस्ट रिटन फुल लेंथ बायोग्राफी है, कायम है बंगाली। आ रही है बात समझ में? इंडिया में कौन से दो बड़े प्रेस थे जो क्या कर रहे थे, रिलीजियस टेक्स्ट पब्लिश कर रहे थे? तो एक है नवल किशोर प्रेस, कहाँ, लखनऊ में, और दूसरा श्री वेंकटेश्वर प्रेस, कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है? मुस्लिम डायनेस्टीज और कॉलोनियल रूलर्स के लिए जो था उन्होंने क्या किया था, तो चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस हमने अभी करा, और पोली स्क्रिप्ट पब्लिश करना स्टार्ट की थी कहां पर, उर्दू और पर्शियन में, ठीक है? विच वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज पेपर, तो पहला इंडियन न्यूज पेपर कौन सा था, बंगाल गैजेट। जो बंगाल गैजेट था वो कौन लेकर आया था, गनाधर भट्टाचार्य, ठीक है? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिकी, हिकी का नाम क्या है पूरा, जेम्स ऑगस्टस हिकी, पूरा नाम क्या है, जेम्स ऑगस्टस हिकी। इसने क्या करा था, ब्रिटिशर बंगाल गैजेट का ये एडिटर था। ये कौन था, बंगाल गैजेट का एडिटर था, और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। आई बात समझ में? फर्स्ट वीकली दैट अपेयर इन इंडिया, ठीक है? फर्स्ट वीकली जो अपेयर इन इंडिया थी वो क्या थी, बंगाल गैजेट एक वीकली जर्नल थी। न्यूज़पेपर किसने निकाला था, गनाधर भट्टाचार्य ने, और इसको कौन कौन लेकर आया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी लेकर आया था। आई बात समझ में? कौन कौन सी लैंग्वेज में आई थी, कोंकणी, कनाडा और तमिलनाडु। इंडिया में पहली प्रिंटेड तमिल बुक कौन सी थी, पहली प्रिंटेड बुक कौन सी थी, तो हमने कहा पहली प्रिंटेड बुक एक तमिल ग्रुप बुक थी, जो किसने प्रिंट करी थी, कैथोलिक प्रीस्ट ने प्रिंट करी थी। किसने प्रिंट करी थी, ठीक है? हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस कब आया था, तो हमने कहा मिड 16th सेंचुरी में आया था। कौन लेकर आए थे, पोर्टुगीज मिशनरी लेकर आए थे। कहाँ आया था, गोवा में आया था। कहाँ आया था, गोवा में, ठीक है ना? इंडियन मैनुस्क्रिप्ट्स कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश होती थी पहले, तो हम लोगों ने बोला कौन कौन सी, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और बंगाल। ये कहाँ की कहानी हुई, इंडिया की, ठीक है? हु इन्वेंटेड पावर ड्राइवर सिलिंड्रिकल प्रेस, तो रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में इसको इन्वेंट किया था, पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस। किसने इन्वेंट किया था, रिचर्ड एम हो ने। इसकी क्या विशेषताएं थी, तो ये 8,000 शीट्स पब्लिश कर प्रिंट कर लेता था 1 घंटे में, है ना? और ये बहुत सारे कलर्स में भी प्रिंटिंग कर लेता था। टू वेमेन नॉवेलिस्ट यूरोप की कौन थी, तो याद रखना जेन ऑस्टेंस और जॉर्ज बायर, है ना? दो स्कॉलर्स थे जिनकी बातें कौन पढ़ता था, वोल्टेयर और रेसो रॉसे। आई बात समझ में? इनकी वजह से क्या आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है? द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट वुड स्वाइप डेस्पोटिज्म अवे। वन मार्कर्स में बहुत आता है, इलेबरेट करने के लिए भी आता है। ये किसने बोला था,
लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने बोला था। किसने बोला था? लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने। ये बहुत सालों से एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चैप बुक्स क्या होती थी? पॉकेट साइज बुक्स होती थी। कौन बेचता था? पेडलर्स। इन पेडलर्स को हम लोग क्या कहते थे? चैपमैन बोलते थे। ठीक है। प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, ये किसने बोला था? मार्टिन लूथर ने बोला था। What was the basic objective of 95 thesis? तो इनको criticize करना था rituals of Roman Catholic Church. Bibliothèque Bleue क्या थी? Low price books थी। कहाँ बिकती थी? फ्रांस में बिकती थी। किस चीज पे पब्लिश होती थी? पुअर क्वालिटी पेपर पे। और इसको ब्लू क्यों बोलते थे? क्योंकि इनके कवर्स जो होते थे वो ब्लू कलर के होते थे। ठीक है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। मार्टिन लूथर की 95 थीसिस के बाद रोमन कैथोलिक चर्च, या फिर ऐसा बोले कैथोलिक चर्च में स्प्लिट आ गया था, और जो नया सेक्ट निकला था क्रिश्चियनिटी का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। संवाद कौन थी? किसने पब्लिश करना स्टार्ट करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन मटेरियल होता है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? पहली बात, ये एक्सपेंसिव होती है, फ्रेजाइल होती है, मतलब बहुत आसानी से कट फट सकती है ना। इनको बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है ना। इसको आप कहीं कैरी नहीं कर सकते, इनको आसानी से रीड नहीं कर सकते। ठीक है। ये हैंड रिटन तो होती है, यही तो होती है। ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ कार्टून एंड कैरिकेचर्स? तो हम लोगों ने बताया था कि कार्टून और कैरिकेचर्स का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये रोल था कि जो ऑर्डिनरी लोग थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो क्या करते थे? उनकी टफ लाइफ के बारे में कार्टून और कैरिकेचर लिखते थे। और ये क्या होता था, वो लोग पढ़ भी लेते थे, उनको मजे भी आते थे, उन्हें समझ में भी आता था गरीब लोगों की हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है। ठीक है। बैलेट्स क्या होती है? हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अ फोक टेल, मतलब एक स्टोरी होती है गाने के फॉर्म में। ठीक है। फर्स्ट पब्लिश बुक कौन सी थी? जोहान गटेनबर्ग ने जो पब्लिश करी थी, तो क्या थी? बाइबल थी। प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप किया? जोहान गटेनबर्ग ने किया। कब? 1430 में। स्क्राइब कौन थे? स्किल्ड पर्सन थे जो क्या कर सकते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे पब्लिशर्स के लिए। ठीक है। मार्को पोलो एक एक्सप्लोरर था जो चाइना से प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ लेकर आया था? इटली में लेकर आया था 1295 में। ओल्डेस्ट जापानीज बुक बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट है वुडकट इलस्ट्रेशंस के साथ। कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश हैंडराइटिंग। आई कहानी समझ में? अब जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस रटने वाले नहीं है। ये क्या है ना, पढ़कर जाओ, समझकर जाओ, और जस्ट इन केस गलती से इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम भी है ना, और आ भी गए तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम इसको सिर्फ थोड़ा बहुत समझ के जाओगे ना, तो कुछ ना लिखने से बेहतर है क्या कि कुछ तो लिखकर देखो, तो तू खुद भूल जाना, डिलीट कर दे। हाँ चलो, तो हम लोग बहुत ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन हम लोग को रटने नहीं है, सिर्फ समझने हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रीडिंग मेनिया पे, किस पे क्वेश्चन आता है? रीडिंग मेनिया पे, तो प्रिंटिंग प्रेस ने एक न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे क्रिएट करी? रीडिंग मैनिया क्या था? तो हमने कहा क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई थी, तो एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई। ठीक है। बुक्स मार्केट में फ्लड हो गई है ना, एक नया कल्चर ऑफ रीडिंग आया, जहां पर अभी तक जो कॉमन पीपल थे वो एक ओरल कल्चर में रहते, जो पढ़ लिख पाते थे वो क्या करते थे? पढ़ लेते थे, और जो पढ़ लिख नहीं पाते थे वो इनकी बातें सुन लेते थे। आ रही बात समझ में? तो जब बुक्स आई, तो शुरू शुरू में जब बुक्स आई वो एक्सपेंसिव थी,
बाद में जब ये सस्ती होने लग गई तो लिटरेसी रेट भी बढ़ गया, लिटरेसी रेट बढ़ गया तो लोग विलेजेस में भी पढ़ लिखने लग गए। चर्चेस ने क्या करा, हाँ चर्चेस ने भी क्या करा, बहुत सारे स्कूल खोले रूरल एरियाज में, जिससे लोग क्या हो जाए, पढ़ना लिखना सीख जाए, और इससे रीडिंग पब्लिक क्या हो गई, इमर्ज हो गई। आ रही बात समझ में? चैप बुक्स क्या थी, चैपमैन सेल करते थे, पॉकेट वाली बुक्स थी, है ना, सारा सस्ता सस्ता चीज थी। प्रिंट कल्चर के आने से साइंटिफिक आइडियाज भी स्प्रेड होने लग गए थे, जैसे कि आइजैक न्यूटन अपनी डिस्कवरीज क्या करने लग गया था, पब्लिश करने लग गया था। ठीक है, तो जो साइंटिफिकली माइंडेड लोग थे उसको इसकी राइटिंग्स क्या लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और जैसे कि कुछ फिलोसॉफर्स थे, थॉमस पेने, वोल्टेयर, रॉसे, इनकी आइडियाज भी लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए थे। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर कौन था, एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट था और एक नॉवेलिस्ट था। ठीक है, इसने बोला था कि प्रिंटिंग प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो दुनिया को क्या करने वाली है, बदलने वाली है। इसने क्या बोला था, ट्रेम्बल देयर फोर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ये इसने किसके लिए कहा था, प्रिंटिंग प्रेस के लिए क्या कहा था। जेम्स ऑगस्टस हिकी जो था, बंगाल गैजेट को एडिट करता था, जो एक वीकली मैगजीन थी जिसमें ये मॉकरी करता था या मजाक उड़ाता था, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल का। इसीलिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको क्या किया था, परसिक्यूट किया था। इंडिया वीकली मैगजीन। की ठीक है, राजा राममोहन रॉय ने क्या पब्लिश किया था, संवाद कोप्ती। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने इसको अपोज करने के लिए समाचार चंद्रिका पब्लिश करी थी। दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स के नाम याद रखने हैं तुम्हें, कौन से, जामी जहान नामा और शमशूल अकबर। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ फ्रीडम की प्रेस को कंट्रोल करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट तो लाए थे, लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के पहले भी बहुत सारे एक्ट आए थे। पहला 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंसरशिप की बात करी थी। ठीक है, इंग्लिश मैन इन इंडिया ने बोला कि जो कंपनी है वो गलत तरीके से क्या कर रही है, राज कर रही है, तो कंपनी को लगा ये सब क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने प्रेस को कर्ब करने की कोशिश करी। कैलकटा सुप्रीम कोर्ट, किसने, कैलकटा सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल किया और कंपनी ने उन न्यूज़पेपर्स को एनकरेज किया जो ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करती थी, मतलब जो ये बोलती थी कि ब्रिटिश रूल क्या है, अच्छा है। आ रही बात समझ में? बट 1835 में इंग्लिश और वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स को गवर्नर जनरल बेंटिक ने क्या बोला कि नहीं, हमने फ्रीडम की प्रेस क्या कर ली है, बहुत ज्यादा क्या कर ली है, ज्यादा कर दी है और प्रेस को कंट्रोल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेस लॉ को रिवाइज करेंगे। थॉमस मैक्यूले ने जितनी पुरानी आजादी प्रेस को दी जाती थी वो सारी क्या कर ली, रिस्टोर कर ली, कि अब जो छापना है छापो। आ रही बात समझ में? फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। Is that clear? Printing में कौन-कौन सी इनोवेशन आई थी, गटेनबर्ग प्रेस में कौन-कौन सी इनोवेशन आई थी? तो सबसे पहले मेटल प्रेस आया था। अब जो प्रेस था वो पहले वुड ब्लॉक से बना था, अब कैसे बनने लग गया था, मेटल से। दूसरा रोटरी प्रिंटिंग प्रेस आया था, किसने बनाया था, रिचर्ड एम को ने, कहां पर, न्यूयॉर्क में, जो एक टाइम पर कितनी शीट्स 1 घंटे में पब्लिश कर प्रिंट करता था, 8,000। ठीक है, ऑफसेट प्रेस आया था, ऑफसेट प्रेस क्या करता था, एक टाइम पे 6 कलर्स प्रिंट कर लेता था। बाद में आए थे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस, ठीक है, 20th सेंचुरी आने से जस्ट पहले, जिसमें सारी चीजें इन्होंने क्या कर दी थी,
मैकेनाइज कर देती है। मैकेनाइज मतलब आपको हाथ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेपर फीड करना है, प्लेट्स अच्छी बना दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल आ गए थे जिससे ह्यूमन वर्क बहुत कम हो गया था और मैकेनाइजेशन हाई लेवल पे क्या हो गया था, बढ़ गया था। ये क्या थी, इनोवेशन थी। राजा रवि वर्मा क्या था, एक फेमस पेंटर था, अगेन वन मार्कर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जिसकी पेंटिंग्स क्या होने लग गई थी, बहुत ज्यादा मास सर्कुलेशन में आने लग गई थी। और इसकी पेंटिंग्स क्योंकि मास सर्कुलेशन में आने लग गई थी तो बहुत सारे कैलेंडर्स और चीप प्रिंट्स पे प्रिंट होना स्टार्ट हो गई थी। सिर्फ राजा रवि वर्मा नाम याद रखना। प्रिंट कल्चर चिल्ड्रन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, प्राइमरी एजुकेशन क्योंकि कंपल्सरी हो गई थी तो चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स हो गए थे, स्कूल टेक्स्ट बुक अपने आप